I would now invite Mr. Velji Masani to give his points, please. बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ आकर दो बात कहने का जो अवसर दिया कि फिशरमैन कम्युनिटी के लिए अभी कौन से अवसर खुलेंगे और उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, उनकी चिंता करने के लिए उनके पास कोई अपना लीडर नहीं है, अपना नेतृत्व नहीं है। मैं खुद फिशरमैन का बेटा हूँ, मेरा पूरा परिवार फिशिंग करता है। मैं गुजरात से मांगरोल गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जब छोटा था तो हमारी जो लकड़ी की एक लकड़ी की होड़ी होती थी, फाइबर कैनोज आ गई है उनकी जगह। तब जब हमारे पिताजी फिशिंग के लिए जाते थे और फिशिंग करके आते थे तो उनके पास एक टिफ़िन होता था, वो टिफ़िन का इंतज़ार करते थे। उसमें जो रोटी, गुड़ और केला जो बचा होता था उसके लिए इंतज़ार करते थे। इतना लगाव वो टिफ़िन के लिए रहता था। और पिताजी भी ऐसा सोच कर आते थे कि मछली हो ना हो, लेकिन ये टिफ़िन का इंतज़ार मेरे बच्चे ज़रूर करते होंगे। आज शायद ये वहाँ कम हो गई है, क्योंकि अभी फिशिंग की जो पद्धति है, सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन क्यों नहीं है हमारे बीच में। इसके लिए हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग भी ज़िम्मेदार हैं और हमारे आसपास रहने वाले कुछ लोग भी ज़िम्मेदार हैं। फिशरमैनों के लिए, खुद के लिए उसको आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए सोसाइटी को ही, खुद को, एजुकेशन की सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। बच्चों को पढ़ाकर कैसे वो कॉलेज तक और कॉलेज से भी आगे ले जाए। आईटीआई का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। आज हर चीज़ में विज्ञान आगे बढ़ा है और विज्ञान की वजह से हर कुछ काम में लोग आगे जाते हैं। अभी भी हमें समझ नहीं है कि हम पढ़ना नहीं चाहते, बिल्कुल समुद्र के अंदर ही रहकर हमारा पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। हमारी माताएं बहनें जो है वो समुद्र से किनारे पर, जब हमारे पिताजी भाई जो मछली पकड़ के लाते, उनकी मछली मार्केट में बेचकर वो अपना काम कर लेती है और घर में बस सबको संभालना का काम करती है। तो दोनों साइड जो है वो बहुत ही बिजी रहते हैं। बच्चों के लिए माँ या हमारे पिताजी जो बड़े हैं घर के, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए सोसाइटी के आप जैसे लोग जो हैं वो ही ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये समझ ही नहीं है कि हम समुद्र के पास जितना जो जगह है, 25-30 किलोमीटर का ज़मीन है समुद्र के आसपास, उसके बाहर कैसे जाना चाहिए, वहाँ कौन रहते हैं, क्या करते हैं, उसका ही हमारे दिमाग में कोई ख्याल नहीं है। मेरे ही गांव के आगे मांगरोल से 7-8 किलोमीटर दूर दोनों साइड में मछियारा कम्युनिटी है, जिसको मछियारा बोले जाते हैं, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ स्कूल में उसको बच्चों को एडमिट कराने के लिए, लेकिन एडमिशन लिया, 1-2-3 दिन गया और बाकी घर पर आराम, खेलना, पानी में जाना, तैरना, पूरा टाइम वहाँ बिताना। कोई उसको संभालने वाला नहीं है, एजुकेशन के लिए कहने वाला नहीं है। इस वजह से हमारी जो ऐसी सोशल संस्था ये है, जो एनजीओज है, उसका भी नेटवर्क इस जगहों पर होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से हमारे लोग पढ़ सकेंगे। पढ़ने के बाद उनका दिमाग खुलेगा और उसको लगेगा कि मछली पकड़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम काज ऐसे है, हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी शक्ति पड़ी है जो हम कर सकते हैं। पढ़कर भी हम पानी में जाकर, समुद्र में जाकर, गहराई में जाकर डीप सी फिशिंग कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, उसका अच्छी तरह से दुनिया में खाने के लिए भेजकर अच्छा भाव ले सकते हैं। मैं खुद भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 12वीं कक्षा पढ़ा हूँ, लेकिन
मेरे गांव में ऐसा लगता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तो आप इसके कारण आप समझ सकते हो कि कितना कमी एजुकेशन होगा। कि बोट में हमारी जो ट्रॉलर है वो छोटे फिशरमैन है, पहले वो समुद्र के किनारे दौर डालकर वो मछली पकड़ते थे हुक में, उसके बाद उसके पास थोड़ा पैसा आया, उन्होंने छोटी नाव ली, उसमें गया किनारे पर, 6-7-8-12 नॉटिकल माइल तक वो फिशिंग करता था, थोड़ा पैसा आया, उन्होंने बोट बनाई, ट्रॉलर बोट बनाई और थोड़ा आगे गया 20-25 नॉटिकल माइल। मैं समझ रहा हूँ कि 40-45 साल से एक ही तरीके से फिशिंग करना, एक ही स्टाइल से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? या तो किसी को मार देंगे हम, या हम खुद मर जाएंगे। तो आज ये ऐसा हो गया, मैंने एक बोट में से 5 बनाई, 10 बनाई, उससे भी आगे बढ़े, तो अभी पानी में मछली ख़त्म हो गई, ऐसा माहौल है। तो कैसे करके हम हमारा निभाव जो है वो करेंगे? बोट का डीजल का खर्चा नहीं होता है, आइस का खर्चा नहीं, अकेली एक मेरी बोट थी, तब मैं और मेरे बच्चे जाते थे, समझ रहे हो ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मेरी 10 बोट है तो मैं अंदर 10 में जा नहीं सकता, दूसरे हमारे जो फीस वर्कर से उसको भेजना पड़ता है, तो वो लेबर जो जाते हैं इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जान हथेली पर लेके जाते हैं, उनका अगर साइंटिफिक फिशिंग का हमें ख्याल नहीं है और एक ही तरीके से हम फिशिंग करते हैं तो हम खुद भी और फिशिंग में अभी चले गए हैं। मछली ज़्यादा नहीं आती है तो हम और भी तेज इंजन बोट में डालते हैं और स्पीडी फिशिंग करते हैं। तो आप समझते हो, आप तो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, कि समुद्र का जो पर्यावरण है वो बहुत ख़राब हो जाता है। हमने ये जो चैनल से, हमारी डिस्कवरी चैनल से और भी बहुत सारी चैनल से, जिसमें ये बताया जाता है कि अंदर जो इकोसिस्टम है वो पूरी ख़राब हो जाती है फिशिंग की वजह से। हम खुद भी जो ट्रॉलिंग फिशिंग करी है वो भी डेंजर है, पर्शियन नेट से जो फिशिंग करते हैं वो भी डेंजर है। हम खुद फिशरमैन है तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने ही पैर काट रही है, लेकिन बचाएंगे कौन हमको? गवर्नमेंट का भी ये ध्यान खींचने की ज़रूरत है इस साइड पर, कि हमारी कम्युनिटी के लिए एजुकेशन कैसा है, और ये सारी जो बात है कंजर्वेशन के लिए समुद्र में, वो भी नियंत्रण के लिए गवर्नमेंट को हमारी तरफ से भी बताना चाहिए कि भाई ये इतना जो एरिया है समुद्र के किनारे उसको कंजर्वेशन जोन बना के रखें, और फिशिंग के लिए अमुक जो एरिया है उसको बांध करके रखें, और अमुक टाइप की जो नेट्स है, पर्शियन नेट्स है, ट्रॉलिंग है, बुल ट्रॉलिंग है, ये सारी कुछ महीनों के लिए बंद कर दी जाए। ऐसा कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता आ गई है। बाकी बस आप लोग सब फिशरमैन कम्युनिटी की चिंता कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। हमारी सारी फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।